1830 में फ्रेंच के ऑथर विक्टर ह्यूगो को एक किताब लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो भी केवल 12 महीने में कंप्लीट करनी थी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल जैसी डेडलाइन लग रही थी कि ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। फिर भी इन्होंने पब्लिशर को प्रॉमिस कर दिया कि वो बुक को कंप्लीट कर देंगे दिए हुए टाइम में। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस करने के बाद बुक पर काम करा ही नहीं। एक साल तक वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए, दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लग गए, गेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं, बट काम नहीं कर रहे हैं, काम को डिले ही करते जा रहे हैं। फाइनली पब्लिशर इतना परेशान हो गया कि उन्होंने 6 महीने से भी कम की डेडलाइन दे दी कि आपको 6 महीने में ही अब कंप्लीट करनी है किताब को, और टाइम आपको नहीं मिलेगा, कि ये बुक फरवरी 1831 में पब्लिश होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। विक्टर ह्यूगो स्ट्रेस में आ गए कि इतने कम टाइम में मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन एक अजीब सा इन्होंने प्लान बनाया अपनी आलस को मारने के लिए, अपनी इस टालने की आदत को मारने के लिए। इन्होंने अपने असिस्टेंट को कहकर अपने सारे पहनने के कपड़े एक संदूक में डलवा दिए और वो संदूक एक घर के कोने में रखवा दी। अब सिवाय एक बड़ी शॉल के अब उनके पास में बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं है, चाहकर भी वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कपड़े नहीं है, संदूक में बंद करके उन्होंने कोने में रख दिया है। अब उनके पास में इतनी ठंड में कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो उन्होंने दिन रात घर में कैद होकर के उन्होंने सिर्फ लिखने का काम करा, और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि डेडलाइन से 15 दिन पहले उन्होंने बुक को कंप्लीट कर दी, यानी कि 14 जनवरी 1831 में उन्होंने कंप्लीट कर दी। डेडलाइन थी फरवरी की और बुक का नाम था द हंचबैक ऑफ नोट्रे दाम, पब्लिश हुई 1831 में। द एटॉमिक बुक के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि कई बार अच्छी आदतें नहीं बल्कि बुरी आदतों को बेवकूफ बनाकर कंट्रोल करना ही कामयाबी है, जो कि बिहेवियर चेंज का थर्ड लॉ है, मेक इट डिफिकल्ट। यानी कोई काम या आदत जो आपको नहीं करना है लेकिन आपका मन कर रहा है करने का, तो उसको इतना डिफिकल्ट कर दो कि आप उसको कर ही ना पाओ, जिसे कमिटमेंट डिवाइस भी कहते हैं जेम्स क्लियर। आप कोई भी आदत बदल सकते हो अगर आप प्रेजेंट में ऐसा जाल बुनते हो या ऐसा एक्शन लेते हो जो आपके फ्यूचर में बुरी आदतों को होने से रोकती है। जैसे कि नियर ईयर ने एक ऐसा आउटलेट खरीदा जो कि एक ऐसा एडेप्टर था जो कि इंटरनेट वाईफाई के राउटर को प्लग से कनेक्ट करता है। इसमें खास बात यह थी कि ऑटोमेटिकली 10 बजे रात को ये राउटर को प्लग से अनप्लग कर देता था, डिस्कनेक्ट कर देता था, यानी कि रात को 10 बजे के बाद में ऑटोमेटिकली वाईफाई बंद हो जाएगा, ताकि इंटरनेट बंद होने की वजह से उनको नींद आ जाए, वो डिवाइसेस यूज ना करे। इसे कहते हैं अपनी आदतों के साथ में चालाकी से गेम खेलना। आपको अपने दिमाग को चीट करके ही मनाना होता है, जिस तरह से हम बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनसे बुरी आदतें छुड़वाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। जैसे कि अगर आपको कोई गेम खेलने की आदत है, आप उसको कम करना चाहते हो, तो आप उस गेम को अनइंस्टॉल कर दो, और जब भी खेलने का मन करे तो इंस्टॉल करके खेल लो। अब क्योंकि वो गेम 1-2 GB का है, तो आपको थोड़ा तो आलस आएगा कि उसको इंस्टॉल करो फिर खेलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेम बिल्कुल खेलना बंद कर दोगे, बट जल्दी से मोबाइल के लॉक को खोल के फटाक से खेलना शुरू करना वो काफी कम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा आलस आएगा उस गेम को इंस्टॉल करके फिर से खेलने में, बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी तभी आप करोगे, वो कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है जेम्स क्लियर का। जब वो एटॉमिक हैबिट्स बुक लिख रहे थे, तब इन्होंने अपने असिस्टेंट को एक ऐसा काम दिया जिसमें हर मंडे को उसे जेम्स के सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स है उसको रीसेट कर देना है, पासवर्ड चेंज कर देने हैं, और पासवर्ड बताने नहीं है जेम्स क्लियर को, जिसकी वजह से वो सारे सोशल मीडिया से लॉग आउट हो जाएगी अपने डिवाइसेस से, ताकि वो पूरे वीक बिना डिस्ट्रैक्शन अपने काम पे फोकस कर पाए। और जब फ्राइडे आएगा तब उनके असिस्टेंट को फिर से पासवर्ड बता देने हैं जो नए रखे हैं, ताकि उनके पास में पूरा वीकेंड है सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। इस तरह से वो पूरे वीक प्रोडक्टिव रहते और उसके बाद में उनके पास में वीकेंड रहता सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। आप भी अपने लिए एक ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो जो आपकी अच्छी आदतें आसानी से लगा दे, और बुरी आदतें या कोई ऐसी हैबिट जो आपकी सक्सेस के लिए सही नहीं है, तो उसका इतना डिफिकल्ट कर दो कि वो आपको करना एकदम इम्पॉसिबल लगे। भले उस वक्त आपका मन कर रहा है फिर भी आप कर ना पाओ, क्योंकि एक वक्त के बाद में विल पावर कम पड़ जाती है, इच्छा शक्ति जो है वो आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक टाइम के बाद में आपका मन कर ही जाता है। लेकिन ऑटोमेशन अगर बनाया हुआ है, आपने अपने लिए जाल बुना हुआ है, तो आप जाल में फंस जाओगे, आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे। इस तरह से आपकी हैबिट चेंज हो सकती है। अंत में एक लाइन बोलूंगा, कई बार कितना भी ट्राई कर लो मन काबू में नहीं आता है, पर एक अच्छे ऑटोमेशन से आप एक ऐसी कंडीशन बना सकते हो कि आपको झक मार के वो चीज करनी है। अब गाइस, आपके लिए मैं एक ऐसी ऐप के बारे में बात करने वाला हूं जहां से आप अपने ओपिनियन देकर सिंपल यस और नो में आंसर देकर आप पैसा कमा सकते हो। ऐप का नाम है प्रोबो, जहां पर इस टाइप की ओपिनियन ट्रेडिंग होती है कि बताओ क्रिप्टो में इस कॉइन की प्राइस इस अमाउंट के आसपास जाएगा या नहीं। फाइनेंस के टॉपिक्स पर आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो।
US स्टॉक्स के बारे में भी आप बता सकते हो, जैसे कि फेसबुक। इनफैक्ट आप जनरल नॉलेज के अराउंड भी अपना ओपिनियन बता सकते हो, जैसे कोविड केसेस हो गए, वैक्सीनेशन हो गया, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस हो गई, उसके ऊपर आपका जो जीके है उससे आप अर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ट्रेड करके बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी स्क्रीन पे ये जैसे एक क्वेश्चन है मेरे सामने, तो मुझे ये लगता है कि इसका आंसर नो होगा क्योंकि ये मेरा नॉलेज कहता है, तो इस तरह से मैं नो पर क्लिक करूंगा। अभी इसकी मार्केट प्राइस जो है वो ये चल रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा बढ़ा सकते हो, और फिर स्वाइप करके मैं बिड सबमिट कर दूंगा। और अगर मेरा नॉलेज सही रहा, मेरी इन्फॉर्मेशन सही रही, मुझे लगा तो मैंने ट्रेड करा, अगर वो सही रहा तो मेरा प्रॉफिट इस तरह से बन जाएगा। इसमें दो फायदे हैं, एक तो आप इसका जवाब देने के लिए पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तो आपका नॉलेज गेन होगा। दूसरा फायदा, आपको जो पता है ऑलरेडी, उस ज्ञान से आपको कमाई भी हो सकती है थोड़ी सी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो प्रोबो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।